शांति। राजयोग के चौथे सत्र में आज हम देखेंगे राजयोग के द्वारा प्राप्ति क्या है। जब भी हम कोई भी सकारात्मक कर्म करते हैं तो प्राप्ति भी बहुत श्रेष्ठ होती है और इंसान की ये साइकोलॉजी है, मनोवृत्ति है कि जहां से कुछ प्राप्त होता है वहीं अपने टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं तो उसको लगते हैं मेरा टाइम इतना वैल्यूबल है, मैं क्यों लगाऊं, मुझे क्या प्राप्त होगा। प्राप्ति के विषय में पहले सोचता है। आज एक छोटे बच्चे को भी अगर कहा जाए कि ये करो, इतना कर दो, तो वो भी सबसे पहले यही पूछेगा, ये करने से मुझे क्या मिलेगा। यानी आज बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक की मानसिकता में ये आ गया है कि अगर मुझे कुछ इससे प्राप्त होगा तो ही मैं अपना समय दूं, नहीं तो मैं समय क्यों लगाऊं। तो राजयोग के द्वारा भी हमारे जीवन में क्या प्राप्त होता है। राजयोग के द्वारा बहुत सुंदर अनमोल उपहार प्राप्त होते हैं और वो प्राप्ति है आंतरिक शक्ति की। मनुष्य जब भी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमेशा अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो। कौन सी शक्ति चाहिए? क्या किसी से लड़ाई करने की शक्ति चाहिए? नहीं, आंतरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, मनोबल चाहता है जिससे जीवन जीना आसान हो जाए। तो राजयोग से भी हमारे जीवन के अंदर अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है और उसमें सर्वप्रथम शक्ति है सहन शक्ति। आज यही शक्ति तो कम हो गई है मनुष्य जीवन में से कि मनुष्य सहन ही नहीं कर पाता, किसी ने कुछ कह दिया तो भी सहन नहीं होता है और बहुत गुस्से में आ जाता है, तुरंत रिएक्शन में आ जाता है। राजयोग से सर्वप्रथम हमारे अंदर सहन शक्ति तो विकसित होती है। कैसे विकसित करते हैं? जिस तरह बच्चे जब बाहर खेल रहे होते हैं और वो आम के पेड़ को देखते हैं, उसके ऊपर आम लटक रहे हैं, तो स्वाभाविक मन यही होता है और बच्चे पत्थर उठा उठा करके पेड़ को मारना आरंभ करते हैं। पेड़ एक एक पत्थर को सहन करके भी वो फल ही देता है। अगर प्रकृति हमें ये बात सिखा सकती है तो मनुष्य जिसने उस पेड़ को उत्पन्न किया, पेड़ को रोपित किया, क्या हम उसमें से ये शिक्षा नहीं ले सकते कि मनुष्य दुनिया में जब पत्थर मारते हैं तो उनसे हमसे भी कुछ फल की चाहना होती है, कुछ अच्छी बातें वो चाहते हैं तभी वो पत्थर मारते हैं। और जब हम भी उनके एक एक पत्थर को सहन करके उसको रिटर्न में फल देते हैं तो शायद हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। लेकिन सहन करने की भी शक्ति चाहिए। हर कोई सहन नहीं कर सकता है। कई लोग सहनशीलता को कायरता समझ लेते हैं लेकिन वास्तव में दुनिया में वही व्यक्ति सहन कर सकता है जिसके अंदर शक्ति होती है। दुनिया में जितने भी महान आत्माएं हो गए उनके जीवन दृष्टांत को अगर देखते हैं तो हर इंसान ने जब सहन किया तभी वो महानता के शिखर पर पहुंचा है।
और सहन करने के लिए दो गुण की आवश्यकता है। कौन सी? जब प्रेम होता है, हर इंसान को प्यार करो और प्यार करके जब सहन करना आसान हो जाएगा। आज माँ बच्चे की हर हरकत को सहन कर लेती है क्योंकि उसको उसके प्रति प्यार है। तो हम भी अपने हृदय को इतना विशाल करते, हर एक के प्रति प्यार की भावना को जागृत करते हुए प्यार बांटना आरंभ करें, तो शायद सहन करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सहन शक्ति अकेली काफी नहीं है, उसके साथ साथ दूसरी शक्ति भी विकसित होने लगती है और वो है समाने की शक्ति। आज कोई व्यक्ति सहन कई बार कर लेता है जीवन में, लेकिन वो अंदर में समा नहीं सकता है। पड़ोस में जाकर कह देता है कि आज हमारे घर में ऐसा हुआ, मुझे इतना सहन करना पड़ रहा है। अब वो पड़ोसी कई बार बिन मांगे सलाह देने आ जाते हैं, तब घर में यही होता है कि ये बात आपको कैसे पता चली? तो कहने आपके घर से ही आए थे, हमने सोचा कि आपको वो कह नहीं पाते तो हम आपको कह देते हैं। और तब जाकर आग में घी जैसे डालने वाला काम हो जाता है। तो सहन किया ये महानता थी, लेकिन समा नहीं सके तो भी जीवन के अंदर कई झगड़े आरंभ हो जाते हैं, कई परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। तो जिस तरह एक समंदर हर नदी के किचड़े वाले पानी को भी समाता जाता है, समुद्र कभी नदी को ये नहीं कहता है कि तू अपना किचड़ा मत डाल मेरे अंदर, लेकिन समाता जाता है। कैसे? क्योंकि समुद्र के पास दो विशेषताएं हैं, विशालता और गहराई। जब हम भी अपने स्वभाव के अंदर वो विशालता ले आएंगे और गंभीरता मैच्योरिटी को ले आएंगे, तो हर बात को समाना आसान हो जाएगा। तो सहन शक्ति और समाने की शक्ति, ये दो शक्ति महत्वपूर्ण शक्ति है जो जीवन को बहुत सुंदर स्वरूप देने लगता है, हमारे संबंधों में सुमधुरता उत्पन्न कर देता है। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति, क्योंकि आज दुनिया के अंदर आडंबर बहुत हो गया है, दिखावट, बनावट, सजावट, इन सब के बीच में हम जीते हैं और उस समय ये परखना अति आवश्यक हो जाता है कि आखिर भी सच्चाई क्या है, असली क्या है, नकली क्या है। अगर सच्चाई को परख नहीं सके तो धोखा खाना स्वाभाविक हो जाता है और फिर व्यक्ति को जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है। जब मेडिटेशन ध्यान करते हैं तो हमारे अंतर चक्षु खुलते हैं और उस अंतर चक्षु से हम आर पार देख सकते हैं, सहजता से परख सकते हैं कि असली क्या है, नकली क्या है। और तब शायद हम धोखा खाने से हर बार बच जाएंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। तो चौथी शक्ति है निर्णय शक्ति, क्योंकि जीवन में हर कदम अगर सफलता का अनुभव करना है तो सही निर्णय लेना आवश्यक है। बहुत सुंदर मैंने कहीं पढ़ा, चुनौती हरेक के जीवन में आती है, लेकिन कभी कभी यही चुनौती अवसर के द्वार खोल देती है और कभी कभी यही चुनौती पछाड़ने वाला अनुभव कराती है। तो किसके लिए ये अवसर के द्वार खोलती है और किसको ये पछाड़ती है? बहुत सुंदर लिखा था कि चुनौती के वक्त जो सही निर्णय लेता है उसके लिए अवसर के द्वार खुलते हैं और वो जीवन में आगे बढ़ जाता है, लेकिन चुनौती के वक्त जो गलत निर्णय ले लेता है उसको जीवन भर पश्चाताप करना पड़ता है और वह अवसर के द्वार को भी
बंद कर देता है और ऐसे पछाड़े खाता है कि हमेशा वो पश्चाताप में जीने लगता है। और तब व्यक्ति कभी कभी यही कह देते, उस वक्त ये बात सूझी ही नहीं मुझे, ये समझ में ही नहीं आया और इसीलिए बस एक गलती हो गई, गलती गलत निर्णय की, कि जब वो दूसरा पहलू देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, परख नहीं सका और इसलिए ये गलती हो गई, गलत निर्णय लेने की। तो जीवन के अंदर कामयाबी उसी के चरण चूमती है जो यथार्थ परख सकता है और सही निर्णय ले सकता है। अगर उस वक्त बहुत तनाव में व्यक्ति आ जाता है तो वो गलती स्वाभाविक हो जाती है और यही तो आज हो गया, हो जाता है इंसान से। पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। कई बार सहन करना होता है, कई बार सामना भी करना होता है, लेकिन कब सहन करना है, कब सामना करना है, बहुत सुंदर पढ़ा मैंने कि सहन हमेशा व्यक्तियों से करना होता है, परिस्थिति का सामना करना होता है, लेकिन आज कई बार व्यक्ति उल्टा कर लेता है, व्यक्तियों का सामना करने लगता है और परिस्थिति को सहन करना शुरू कर देता है। तब व्यक्ति जीवन के अंदर अवसाद का अनुभव करने लगता है। नहीं, व्यक्तियों से सहन करो और परिस्थिति आए तो उसको डट कर सामना करो, पार करो, ओवरकम करो उसको। आज अगर व्यक्ति का सामना करने जाएंगे तो संबंधों में खटास, कड़वापन अनुभव होगा और हमेशा हमेशा के लिए रिश्तों में दरारें पड़ जाएगी, टूट जाएंगे, बहुत दूर हो जाएंगे एक दूसरे से और जीवन जीवन महसूस नहीं होगा। परिस्थिति को सहन नहीं करना है, क्योंकि परिस्थिति को अगर सहन करने गए तो भी जीवन के अंदर वो परिस्थिति हमें दबाने शुरू करेंगे, इतना दबाएंगे कि शायद व्यक्ति ऊपर उठना अपने आप में असंभव महसूस कर पाएगा। इसीलिए परिस्थिति का सामना करो और रिश्तों में सुमधुरता बनी रहे इसलिए सहन करके उसको पार करो। सहन करने से हम छोटे तो नहीं हो जाएंगे, सहन करने से कुछ गंवाएंगे नहीं, सहन करने से हमारे रिश्ते जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। थोड़ा बहुत अगर सहन करना भी पड़ा तो कौन सी बड़ी बात है, रिश्ते तो हमारे संभल जाएंगे, लेकिन परिस्थिति को सामना करते हुए उसको पार करो। उसके साथ साथ छठी शक्ति है सहयोग की शक्ति, कि सहयोग भी एक बहुत बड़ा गुण है। कहा जाता है कि सहयोग देना और लेना ये देवताई क्वालिटी है और सहयोग न देना न लेना ये आसुरी स्वभाव है, कि मनुष्य जब अपने संबंधों के अंदर समीपता में है तो संबंध देना और लेना सहज हो जाता है। वो कहानी तो आप सबने सुनी होगी, एक बार इंद्र ने देवताएं और असुरों के को दावत पर बुलाया और सबके लिए एक ही नियम था कि हाथ सीधा रख करके भोजन करना है। देवताएं बहुत सुंदर तरीके से भोजन कर पाए, असुर बड़े परेशान हो गए और भूखे ही उड़ गए। देवताएं क्यों भोजन कर पाए, क्योंकि उनमें स्नेह और मधुरता इतनी थी संबंधों में, एक दूसरे को खिलाने में उनको कोई तकलीफ नहीं थी। असुर खिला नहीं सके क्योंकि आपसी संबंधों में भी वो प्यार नहीं था, इसीलिए वो एक दूसरे को खिला नहीं सके। तो सहयोग देना और लेना ये देवताई लक्षण है और ना देना ना लेना ये आसुरी लक्षण है।
हम कौन है अपने आप को देख ले कि देवता बनना चाहते हैं या आसुरी लक्षण वाले हैं। सातवीं शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ है अपने इंद्रियों का विस्तार भी करता है और संकीर्ण भी कर लेता है। जब उसको कारोबार में आना है तो विस्तार करता है, नहीं तो व्यर्थ में अपनी शक्ति को समाप्त नहीं करता है, वहाँ संकीर्ण लेता है। हम भी इस कछुए से ये गुण तो अवश्य ले ले अपने जीवन में कि जब हमें कर्म करना है तो अपनी इंद्रियों को विस्तार में लाए कर्म करें, लेकिन जब कर्म समाप्त हो जाए तो इंद्रियों को समेट ले, उसकी शक्ति को व्यर्थ न गवा दे और ईश्वर के अंदर ध्यान लगाए। तो हम अपने शक्ति का संचार कर सकते हैं और उसको विकसित भी कर सकते हैं। और आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। जैसे बाहर गांव जाना होता है तो बैग बिस्तर को समेट लेते हैं, सारा घर उठा कर नहीं ले जाते हैं। ठीक इसी तरह जीवन भी एक मुसाफरी है और इस मुसाफरी पर चलना है तो हमें भी बैग बिस्तर अपना समेटे रखना जरूरी है। बैग के अंदर क्या डालेंगे? कीमती चीजें। और बिस्तर के अंदर लपेट लेते हैं चीजों को। ठीक इसी तरह जीवन की यात्रा में भी जो हमारे लिए बहुत अनमोल है वो है अटैची, जिसके अंदर हम सद्गुणों को भर ले और पाप कर्म का बिस्तर बांध ले, क्योंकि वो कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। यात्रा में अक्सर कई चोर भी होते हैं जो हमारे कीमती चीजों को चुरा लेते हैं। तो इसी तरह कई बार जीवन की यात्रा में हमारे सद्गुण भी चोरी हो जाते हैं। कैसे? जब संग का रंग लग जाता है तो वो सद्गुण चोरी हो जाते हैं और संग के प्रभाव में आकर के हम भी पाप कर्म के खाते को बढ़ा देते हैं। या कई बार अपने चीजों में जैसे रखी हुई होती है तो कीड़े लग जाते हैं। ठीक इसी तरह जीवन के सद्गुणों में भी कीड़ा लगना, माना उन सद्गुणों का भी जब अहंकार आ जाता है, अच्छे कर्म का भी व्यक्ति को अहंकार आ जाता है तो ये अभिमान का कीड़ा लग गया जो अंदर से ही हमें खोखला कर देता है। तो इसलिए समेटने की शक्ति को लेना, यानी बातें अनेक आएंगी जीवन के अंदर, फुल स्टॉप, बिंदी लगाओ, आगे बढ़ते जाओ, उन्हीं बातों में उलझो नहीं, क्योंकि उन्हीं बातों में उलझ करके हम अपने यात्रा पर आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए बातों को समेट लो, फुल स्टॉप कर लो और आगे बढ़ते जाओ, उलझो नहीं, सुलझते जाए। तो इसीलिए ये अष्ट शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग देने की लेने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति, ये आठों शक्ति योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा हमें जब आध्यात्मिक चक्षु को खोलते हैं तब प्राप्त होने लगते हैं और तब हमारे जीवन की क्वालिटी बहुत सुंदर हो जाती है। ओम शांति।